पेरिस ओलंपिक्स 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके लिए अब कुछ ही दिन का समय बाकी है। यह तीसरी बार जब फ्रांस इन खेलों की मेजबानी करेगा और इसके लिए वहां खास इंतजाम भी किए गए हैं। आमतौर पर उद्घाटन समारोह स्टेडियम में होता है, लेकिन पेरिस में इसमें कुछ बदलाव देखने की आपको उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि 26 जुलाई को होने वाला उद्घाटन समारोह स्टेडियम नहीं बल्कि सीन नदी के किनारे होगा। भारत ने इन खेलों के लिए 117 सदस्य दल भेजने की घोषणा की है। हालांकि टोक्यो ओलंपिक्स की तुलना में इस बार कम एथलीट हिस्सा लेंगे। टोक्यो में भारत ने 119 सदस्यों का दल भेजा है और एक स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में उद्घाटन समारोह की शुरुआत बोट परेड के साथ होगी। करीब 3 घंटे तक होने वाले इस आयोजन में 3,000 कलाकार अपनी प्रस्तुति पेश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए इनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं और उद्घाटन समारोह आईफिल टावर के आगे भी समाप्त हो सकता है, लेकिन तय कार्यक्रम के अनुसार ये समारोह सीन नदी के किनारे ही करने की कोशिश कराई जाएगी। नदी के किनारे उद्घाटन कराने का फैसला इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन सकें। अगर सुरक्षा या किसी अन्य कारण के चलते ऐसा करना संभव नहीं हुआ तो आयोजकों ने स्टेड डी फ्रांस में भी उद्घाटन समारोह करने का विकल्प मौजूद रखा है। पेरिस के बीचों बीच होने वाले उद्घाटन समारोह में 6 लाख लोगों की पहुंचने की पूरी उम्मीद है, जिसमें से 2 लाख से अधिक टिकट मुफ्त बांटे गए हैं। आधिकारिक प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टर्स को उम्मीद है कि सिर्फ उद्घाटन समारोह को ही दुनिया भर में करीब 150 करोड़ लोग टीवी पर लाइव देख सकेंगे। साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक की दर्शक संख्या 320 करोड़ की थी, जो कि आपने कभी भी सुना नहीं होगा, जिसका एक अहम रिकॉर्ड भी है। ये रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस खेलों के लिए 10 लाख टिकट उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से 90 लाख टिकट बिक चुके हैं। मालूम हो कि कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए टिकट उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए रियो ओलंपिक के बाद पहली बार इन खेलों के लिए टिकट उपलब्ध हैं, जिसे लेकर प्रशंसकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। टोक्यो 2020 की तुलना में इस बार कई नए खेलों को भी जगह मिली है, जिसमें से ब्रेक डांस का नाम सबसे ऊपर है। ब्रेक डांस इस बार अपना डेब्यू करेगा। भारत की ओर से इस स्पर्धा में मीराबाई चानू हिस्सा लेंगी, जिन्होंने टोक्यो में रजत पदक जीतकर अपने नाम किया था। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार निशानेबाजी के सभी वर्ग में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब आप बताइए कमेंट्स करके कि आप कितना एक्साइटेड हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए, साथ साथ कितना एक्साइटेड हैं पेरिस ओलंपिक्स के उद्घाटन को, ओपनिंग सेरेमनी को करीब से देखने के लिए। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।